सागर जिले के बंडा क्षेत्र के ग्राम गौरव खुर्द में हाई स्कूल और आंगनबाड़ी भवन का लोकार्पण कार्यक्रम हुआ संपन्न, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत, विधायक तरवर सिंह लोधी हुए शामिल। सागर जिले की घोड़ी में कुछ लोगों द्वारा अहिरवार समाज से अपशब्द कहने पर अहिरवार समाज के लोगों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। सागर जिले की घोड़ी में बिहार के पूर्व मंत्री कपूरी ठाकुर के प्रतिमा सागर तहसील चौराहे पर स्थापित विवाद को लेकर खुरई में सैन समाज ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। अलग विचारधारा रखने वाले लोगों को एक सूचना दे रहा हूं कि कर्पूरी जी ठाकुर वो जननायक थे जिन्होंने सर्व समाजों का हित किया, और ऐसे महापुरुषों की प्रतिमा स्थापित करने के लिए उनको भी सहयोग करना चाहिए। और अगर उनको उनके बारे में जानकारी नहीं है तो कम से कम अपने बच्चों को सही शिक्षा दें, जिससे बच्चे उस प्रतिमा का आदर देख के अपने पारिवारिक लोगों से पूछ सकते हैं कि पिता ये हमारे पार्क में प्रतिमा किस महापुरुष की लगी। इसके लिए कोई आप अभियान वगैरह चला सकते हैं क्या? जी, हम लोग सब प्रकार से तैयार हैं। अगर हमारी मांग, क्या आपकी रणनीति रहेगी कि रणनीति हमारी ये रहेगी कि समाज के हर एक वर्ग को हम लोग जागृत करके कर्पूरी जी के समक्ष उनके क्रियान्वयन को लोगों को बताएंगे, और उसके बाद समाज के हर एक वर्ग के व्यक्ति को लेके इस आंदोलन में सहयोग करेंगे। सागर जिले की खुरई में अज्ञात कारणों के चलते 20 साल के युवक ने पेड़ पर फांसी लगाकर की आत्महत्या। सागर जिले की खुरई के सलौता गांव में मंत्री प्रतिनिधि ने 1.64 करोड़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का किया भूमि पूजन। सागर कलेक्टर दीपक आर्य ने सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक और सीईओ चंद्रशेखर शुक्ला के साथ स्मार्ट रोड कॉरिडोर अंतर्गत आने वाले कार्यों का किया पैदल निरीक्षण। सागर में सिटी स्टेडियम खेल परिसर परियोजना का स्मार्ट सिटी सीईओ चंद्रशेखर शुक्ला ने किया निरीक्षण। इंटीग्रेटेड स्पोर्ट कम्प्लेक्स में इंस्टॉल करने के दिए निर्देश। सागर कलेक्टर दीपक आर्य ने मुस्लिम समुदाय की आयोजित बैठक में ईद मिलाद उन नबी को पूरे भाईचारे के साथ मनाने के दिए निर्देश। छतरपुर के पक्सवाहा में जय मां शारदा युवा मंडल खेर माता समिति के तत्वावधान में खेर माता मंदिर में हुआ विशाल भंडारे का आयोजन। आयोजन का लगातार 22वां वर्ष। शिवपुरी में लिव इन पार्टनर की हत्या, महिला ने साथ रहने से मना किया तो लिव इन पार्टनर ने पत्थर से सिर कुचला। महिला के हैं 5 बच्चे, अब किया इनकार तो कर दिया ऐसा। सागर जिले के नरियावली के जोड़ो अखेड़ा में मुस्लिम समाज के मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्मदिन पर चौराहों से होते हुए विशाल जुलूस निकाला गया। साथ ही भारत देश की शान तिरंगा को जुलूस में सबसे आगे लहराया गया और सभी धर्म के लोग भी हुए शामिल, भाईचारे का दिया संदेश।
दमोह जिले के पटियागढ़ में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। निकाला गया भव्य जुलूस और जगह जगह बांटी गई मिठाइयां। आज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में जलसा मुनक्किद किया गया। इस जलसे का आगाज जामा मस्जिद पटियागढ़ से होते हुए हज़रत बाबा शम्सुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिरी दिया और हाजिरी देने के